Praise the Lord and good morning to all of you. आप सबको आज सुबह जय मसीह की और मैं सबका स्वागत करता हूँ इस सुबह के मनन के लिए. God's love and faithfulness has given us another day. और परमेश्वर के प्रेम और विश्वास योग्यता ने एक और नए दिन को हमें दिया. And it is a day God has given us that we may live and enjoy life and glorify Him. और ये दिन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम इस दिन में आनंदित हों और अपने जीवनों के द्वारा उसे महिमा दें. So let us begin this day with the meditation. और होने दे आइए हम इस दिन की शुरुआत एक मनन के संग करें. This is the third installment of the meditation on Ephesians chapter 6 verse 14. और ये वो तीसरा भाग है हमारे उस मनन का जिसकी शुरुआत हमने पिछले हफ्ते करी थी इफिसियों की पत्री छठा अध्याय 14वें वचन से. And the one phrase in that verse we are meditating on is stand firm. और उस वचन में पाए जाने वाला एक ऐसा वाक्य जो कहता है स्थिर बने रहो. And so today's meditation is in continuation of Tuesday's meditation. और इसलिए मंगलवार को जो हमने अपना दूसरा भाग समाप्त किया आज की सुबह उसी को जारी रखते हुए हम तीसरे भाग में आगे बढ़ेंगे. And what is the meaning of stand firm? और स्थिर बने रहने का मतलब क्या है? First, it is opposed to a cowardly flight or yielding to the enemy. इसका पहला मतलब है कि डरपोक बनकर भागना नहीं है और ना ही शैतान या शत्रु के आगे समर्पण करना है. And our last meditation, the second meditation, and secondly, we saw stand firm means stay in one's own place of duty. और दूसरा भाग में हमने देखा कि स्थिर बने रहने का मतलब है कि एक जन अपने स्थान पर खड़ा रहे, स्थिर बना रहे और अपनी जिम्मेदारियों को जो उसे दी गई हैं पूरा करे. No disorder. और किसी भी प्रकार से अस्थिर ना हो. Rather than the devil's job is to bring disorder and confusion. क्योंकि शैतान का काम तो यही है कि वो हर प्रकार से लोगों को परेशान करे और अस्थिर करे. In this last of this series. Thirdly, to stand is opposed to sleep and slumbering. और तीसरे भाग में इस मनन के अंत में इसका तीसरा मतलब स्थिर बने रहने का ये है कि हम सचेत होकर खड़े रहे ना कि सोएं या हामी भरे. Now, standing is a walking and watching posture. और याद रखिए खड़े रहने का मतलब ये है कि आप चलते हैं और ध्यान बनाकर देखते रहते हैं. The saints sleeping time is the devil's tempting time. याद रखिए जब संत सोते हैं तब शैतान का वो समय होता है कि वो लोगों को परीक्षाओं में लाए. Even a fly dares to crawl on a sleeping lion. और यहाँ तक कि एक सोते हुए शेर पर तो मक्खी भी चलना शुरू कर देती है. Samson slept and Delilah cut his hair. और सैमसन जो है सोया और दलाइला ने उसके बालों को काट दिया. Saul the king slept and his spear was taken away from his side. और सौल राजा सोया और उसका भाला उसके बगल से ले लिया गया. Noah slept and his nakedness was discovered by his graceless son. और नूह सोया और उसकी नग्न अवस्था में देखा उसे उसके बेटे ने. Eutychus slept and fell from the third floor dead. और यूटिकस भी सोया और वो तीसरे माले से नीचे गिरा सोते हुए और मर गया. So, और इसलिए a Christian asleep in security may soon be surprised that he lost much of the spiritual strength. और इसलिए एक मसीही जो सोता रहता है वो इस बात को देखकर भौचक्का रह जाएगा कि सोते समय हो हुए ही उसने अपनी कितनी सारी आत्मिक शक्ति को खो दिया है. And what is the strength of a Christian? और एक मसीही की वो शक्ति या सामर्थ्य क्या है? The Bible says the joy of the Lord is my strength. और वचन बताता है परमेश्वर का आनंद हमारा साहस या हमारी हिम्मत है. So the joy of the Lord is a Christian's strength. और इसलिए याद रखिए मसीही शक्ति या सामर्थ्य है वो परमेश्वर का आनंद. And we must make sure that we never lose the joy of the Lord. और इसलिए हमें इस बात को सुनिश्चित रखना है कि हम कभी भी परमेश्वर के आनंद से को ना चूके. The robbed of his spear or his armor, we lose all the graces. और जब एक भाले को उसके बगल से निकाल लिया गया और या उसके सुरक्षा कवच को उससे निकाल लिया गया सोते समय, इसका मतलब है कि उसे पूर्ण रीति से शर्मसार कर दिया गया.
So Christians, stand up and be alert. और इसलिए मसीहों, आप खड़े हो जाएं और सावधान बने रहें. You are losing the strength means you are losing the graces that God has placed in you. आप अपनी शक्ति को खो रहे हैं, जिसका मतलब है आप उस अनुग्रह को खो रहे हैं जो परमेश्वर आपको देता है. And soon you may discover that you are no longer enjoying. और आप बड़ी जल्द इस बात को पहचानेंगे और जानेंगे कि आप अब अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं. There are several blessings the Lord has enabling you to enjoy every day. क्योंकि ऐसी कई सारी आशीषें हैं जो परमेश्वर प्रतिदिन आपको देता है उनका आनंद उठाने के लिए. The presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति. The peace of the Lord. परमेश्वर की शांति. And the power of the Lord. और परमेश्वर का सामर्थ. See, these are what else you need. If you have these graces, these blessings, you are a victorious Christian. और आपको और किन बातों की आवश्यकता है? जब आपके पास ये सारी आशीषें परमेश्वर के पास से हैं, तब आप एक जयवंत मसीह ठहरेंगे. So our failure in recognizing the time and stand firm as a follower of Christ causes us to lose these graces and blessings. और इसलिए जब हम इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर ने हमें स्थिर बने रहने के लिए बुलाया है, तब हम इन अनुग्रहों को अपने जीवन में खो देते हैं. And then you wonder, और तब आप सोचते हैं, why you were asleep? कि आप क्यों सो रहे थे? The enemy came and captured you. क्योंकि शैतान तो शत्रु आया और उसने आपको पकड़ लिया. That was the problem. और यही समस्या थी. And put you to sleep. और आपको सुला दिया. Yeah, you may have been very busy in the work of God. और यह हो सकता है परमेश्वर के कार्यों को करने में बड़े व्यस्त हो गए. So busy that when you come home, there is no time to read God's word or to pray again before you sleep, but you just fall on the bed and go to sleep. और या तो आप परमेश्वर के कार्यों में इतने व्यस्त थे कि आप घर आते हैं और इतने थक जाते हैं कि जैसे ही बिस्तर पर बैठते हैं आप सो जाते हैं बिना वचन और प्रार्थना किए हुए. Now that can happen in our spiritual life. और ये हो सकता है हमारे आत्मिक जीवन में. When we were While we were to be fully alert and be watchful, जबकि हमें पूर्ण रीति से सावधान और सचेत बने रहना है, our disappointments, our discouragements, and so many other kind of feelings creep in, and then we don't feel like spending time with the Lord. और कई प्रकार की निराशाएं, कई प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं और फिर हम परमेश्वर के संग समय नहीं बिताना पसंद करते. And some people even decide, choose to stay away at home on a Sunday. कई लोग तो ये निर्णय निश्चय भी करते हैं कि रविवार को अपने घरों में ही रहते हैं इसके बजाय कि वो सहभागिता के लिए कलीसिया आए. Oh, I don't feel like meeting anybody. अरे मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी से मिलूं. I am so disappointed. मैं कितना निराश हूँ. I am so discouraged. मैं कितना असहाय हूँ. I don't want to meet anybody. मैं किसी से नहीं मिलना चाहता. My friends, that is what the devil will whisper into your ears. मेरे मित्रों, परमेश्वर शैतान इन्हीं बातों को आपके कानों में फुसफुसाएगा. And if you continue to listen, और अगर आप निरंतर इसे सुनते रहेंगे, your spiritual life will go off to sleep. तब आपका आत्मिक जीवन सोने में चला जाएगा. Don't make that mistake. तब ऐसी गलती आप ना करें. When you don't feel like going, when you don't want to meet anybody, that is the time you need someone. जब आप किसी से मिलना पसंद नहीं करते, नहीं चाहते, वही समय तो है जब आपको किसी से मिलना है. So never miss an opportunity to be together with God's people and worship. कभी भी उस मौके को ना छोड़े कि आप परमेश्वर के लोगों के संग सहभागिता करने पाएं. So watch out. और इसलिए ध्यान रखें. And be alert. और इसलिए सावधान and बने रहें. Stand firm. और अपनी जगह पर स्थिर बने रहें. Let no disorder happen in your spiritual life. होने दे कोई भी प्रकार का अस्थिरता आपके जीवन, आत्मिक जीवन में. Holy Spirit of God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा. Thank you. धन्यवाद. If there is even one single person among the listeners of this meditation, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति इस मनन को जो सुन रहा है आज की सुबह, who is discouraged, ऐसा कोई भी है जो निराश है, who doesn't feel like meeting anybody, जिसको ऐसा लगता है उसे किसी की जरूरत नहीं, by your Holy Spirit stir up his heart, so अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप उसके मन से बात करें और उसे घायल करें, and he will do the right thing, ताकि वो सही बात को करने पाए,
go into the temple of God. ताकि वो परमेश्वर के मंदिर और भवन में आए. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. Because that is the place you meet with your people very specially. क्योंकि वही वो स्थान है जहाँ तू अपने लोगों से खास रीति में भेंट करता है. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Enjoy the favor of the Lord. परमेश्वर के अनुग्रह का आप आनंद लें. And walk with the Lord. और परमेश्वर के संग आज के दिन आप चलें. And be useful to God. और परमेश्वर के लिए उपयोग में लाए जाएं. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Amen. Amen.